तो इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइब्स यानी कि जनजातियों के एकीकरण की अगर हम आपके बात करें ठीक है ये एक ऐसा टॉपिक है इसमें किसी भी कंटेंट की आपको जरूरत नहीं है अब इसमें आपको सिर्फ अपना दिमाग खोलना है ठीक कहा से आपके जनजाति शुरू हुई और कैसे इनका इंटीग्रेशन होता है ठीक है ये ध्यान रखना कि मेंस के अंदर आपको कंटेंट की जरूरत है सिर्फ तीस परसेंट बाकी का सत्तर परसेंट काम तो अब आप अपने ब्रेन से करोगे ठीक है अब जैसे कि अगर हम जनजातियों के एकीकरण की बात करें तो हम सीधा बैकग्राउंड में जाते हैं सबसे पहले ट्राइब्स ये थे कौन भारत में रहने वाले आपके ट्राइब्स ठीक है ट्राइब्स जिन्हें हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं आदिवासी ठीक है आदिवासी या ट्राइब्स ये वो लोग थे जो शहर और गांव से दूर जंगलों में रहते थे कहाँ रहते थे ये जंगलों में रहते थे ठीक है अब सबसे पहले एक पॉइंट और समझना अगर ये शहर या गांव से दूर जंगलों में आपके रहते हैं तो हमारे समाज से इनका कोई लेना देना ठीक राइट तो इसका मतलब ना इनका कोई धर्म है ना इनकी कोई जाति है धर्म और जाति तो हमने अपने समाज में बनाए ना उनके समाज में का उनका तो सब कुछ अपना अलग सिस्टम है हम भगवान राम की पूजा करते हैं वो बिरसा मुंडा की पूजा करते हैं दोनों में अलग अलग डिफरेंस है ना उनके लिए वही भगवान है ठीक भगवान का मतलब क्या होता है एनी आइडियल पर्सन या एनी आइडियल पर्सनैलिटी ठीक है तो यहाँ आपके क्या है कि इन ट्राइब्स का हमारे से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था ठीक अब ट्राइब्स आपके हमेशा से जंगलों में आपके रहते थे ट्राइब्स का अपना अलग सोसाइटी थी अलग कल्चर था रिलीजन वर्ड को तो ये जानते भी नहीं है रिलीजन का तो ज्ञान उन्हें उस दिन हुआ जब अंग्रेजों ने जंगलों में घुसना शुरू किया और इन्हें क्रिश्चियन बनाना शुरू किया इससे पहले तो रिलीजन वर्ड ही नहीं जानते थे पहली चीज ठीक ट्राइब से आज भी बात करोगे तो किसी भी रिलीजन को नहीं जानते जो एक्चुअल प्योर ट्राइब होगी जो अगर सोशल स्ट्रीम में नहीं आई होगी तो उसे रिलीजन का कोई अर्थ नहीं पता होगा ना वो रिलीजन जानती ना वो कास्ट जानती ये दोनों चीजें ट्राइब कल्चर के अंदर थे ही नहीं ठीक है तो अब यहां हुआ क्या कि ये आपके जब तक भारत में एंशियंट इंडिया और मेडाइवल इंडिया जब तक आपके मुगलों का शासन भारत में था तब तक ये ट्राइबों का आपके भारतीय समाज के साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं था ठीक ये जंगलों के अंदर रहते थे जंगलों के अंदर इनका अपना खुद का समाज या खुद के कबीले थे छोटे छोटे ठीक खुद की इनकी संस्कृति थी ठीक उसी संस्कृति के अकॉर्डिंग ही वहां अपने सारे कार्य करते थे ठीक है वहीं आपके परिवार को बढ़ाना शादी वैवाहिक संबंध इनके सब उसी कबीले के अंदर या आसपास के कबीले के अंदर मैनेज होते थे ठीक है प्रोफेशन इनका क्या क्या था जो फॉरेस्ट में ये जिसमें रहते हैं वहां से जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट आपके निकलते हैं उन फॉरेस्ट प्रोडक्ट से ये अपना जीवन यापन करते थे ठीक है कभी आपके किसी राजा ने जंगलों में कोई इतनी विशेष रूप से छेड़छाड़ नहीं की ठीक है तो ये ट्राइब अपने आप को वहां सुरक्षित रखे हुए थे यह हुआ अब ट्राइब्स की कहानी आपके कहां से शुरू होती है इंटीग्रेशन की अगर हम आपके बात करें तो कहानी शुरुआत आपके ये हुई कि जब भारत में आपके अंग्रेज आए ठीक अंग्रेज जब आए तो आपके अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने क्या किया अंग्रेजों ने भारत के रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन आपके शुरू किया जब अंग्रेज भारत के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन आपके करेंगे तो इस एक्सप्लॉयटेशन के करने के क्रम में अब आपके ये शहर और गांव और गांव से अब ये जंगलों की तरफ रुख करेंगे ठीक अब जंगलों की तरफ किस लिए रुक करेंगे फॉरेस्ट प्रोडक्ट ठीक वन उत्पाद

अब सोशल इंटीग्रेशन तो यहीं से हो जाना चाहिए जब दो कम्युनिटी के बीच में आपके बोलचाल चाल लेन देन जब आपके ये शुरू हुआ लेकिन ये ये कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन देखें तो सेल्फिशनेस से बनाया गया एक था जो हमने अपने स्वार्थ के लिए बनाया था ठीक यानी कि चाहे वो आपके भारतीय जमींदार हो भारतीय महाजन हो चाहे आपके ब्रिटिश एम्पायर हो इन्होंने कम्युनिकेशन किया लेकिन इन्होंने अपने स्वार्थ से किया इनका स्वार्थ उन ट्राइब से सिर्फ इतना था कि सारे के सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट निकाल कर वो इनको दे जाए ठीक अब प्रोडक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट निकाल के दे जाए तो कैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो ये सस्ते मिलते नहीं है जैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट में हम आपके देखें जैसे उस समय आपके तमाकू का चलन हो गया बीड़ी आ गई थी भारत में तो बीड़ी किससे बनती है तेंदु पत्ता से अब निकाल के कौन लाएगा उस तेंदु पत्ता को ये ट्राइब ठीक जैसे कि हनी जैसे कि गोंद ठीक है इसके अलावा आपके तमाम प्रकार के जानवरों की मीट ये भी इनका आपके ऑक्यूपेशन होता था हर कोई जानवरों को मार नहीं सकता ठीक है यह हुआ तो ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट को लिए और आपके विभिन्न प्रकार की लकड़ियां लकड़ियां भी क्यों क्योंकि उस समय रेलवे का डेवलपमेंट भारत में हो रहा था भारी मात्रा में आपके लकड़ियों की जरूरत थी तो जंगल काटे जाएंगे तभी लकड़ियां आपके आएंगी क्योंकि लकड़ियां इंग्लैंड से तो लेके नहीं आएंगे भारत में क्या भाव पड़ेंगे अगर ऐसा किया तो लकड़ियां अगर रेलवे का डेवलपमेंट होगा अंग्रेजों ने आपके अपने टाइम में ही तकरीबन लगभग चालीस बयालीस हजार किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण कर दिया था इंडिया के अंदर ठीक स्वतंत्रता के बाद तो सिर्फ दस हजार किलोमीटर लाइन डली और बस इसका मॉडर्नाइजेशन हुआ है बाकी का पूरा का पूरा डेवलपमेंट तो ब्रिटिश टाइम में हुआ था ठीक है तो ये सब चीजें आपके कहा से आएंगी जंगलों से आएंगी तो जंगलों से आएंगी तो व्यवस्था का निर्माण आपके कुछ इस प्रकार का आपके किया गया क्या व्यवस्था का निर्माण किया गया कि इनसे एक ट्रक आपके लकड़ियां ले आए और दस रुपए दे आए इनको हां ऐसी व्यवस्था थी उस समय इन्हें तो पता ही नहीं था आपके क्यों क्योंकि ये तो समाज में गई नहीं है ना उन्हें क्या पता कि गेहूं का एक्चुअल भाव क्या है उन्हें तो आपने जो दे दिया वो उन्हें ले लिया ठीक तो आपके ये इसमें भी खुश थे इन्हें उसमें भी समस्या नहीं थी क्यों क्योंकि उन्हें अभी तक इसकी एक्चुअल प्राइस नहीं मानो ठीक असंतोष तो तब होगा ना जब एक्चुअल प्राइस पता चलेगी अब सिर्फ आपके यहीं तक नहीं हुआ अब आगे चल के आपके क्या हुआ अंग्रेजों ने सोचा कि ये दस रुपया भी क्यों दे रहे हैं इनको ये ज्यादा हो रहा है दस रुपये भी दे रहे हैं तो थोड़ा सा और शोषण करें अंग्रेजों ने उठा के बना दी फॉरेस्ट पॉलिसी ये जंगल हमारे हैं और इस जंगल से जो आएगा हम नहीं देंगे आपको एक भी रुपया ठीक तो फॉरेस्ट पॉलिसी ने क्या किया जिन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर इनके अधिकार थे वो भी छीन लिए अब इनके अंदर आपके और दूसरा क्या था ये बाहर से कुछ खाने पीने लेते नहीं थे ये खुद एग्रीकल्चर करते थे ट्राइब्स के अंदर होती थी झूम खेती झूम खेती पहले जंगल काटे वहां आपके इन्होंने खेती की ठीक और ये कैसी खेती थी सब्सिडेंस फार्मिंग सब्सिडेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है ये सिर्फ अपने जीवन निर्वाह के लिए आपके खेती किया करते थे अब जीवन निर्वाह के लिए आपके ये अपने खेती किया करते थे अंग्रेजों ने वो भी बंद करा दी तो अब खाएं क्या ठीक है फिर आपके क्या हुआ फिर और आगे फिर लालच बढ़ा आपके जमींदारों का भारतीय जमींदारों का अब गांव के अंदर जमीन तो सीमित है खेती की जमीन बढ़ाना है तो काटो जंगल और बढ़ाओ अंदर आज भी आप देखते हो ना सरकारी जमीनों पर गांव के लोग कैसे नदी बीड़ों में आपके खेती करना शुरू कर देते हैं अब वो जेनुअन कोई आपके नाम पर पट्टा थोड़ी है लेकिन कर दिया आपने शुरू तो ये जो आपका बढ़ता हुआ लालच है आपने वो भी आपके शुरू कर दिया धीरे धीरे पता चला कि आपकी जमीन बढ़ते बढ़ते इतना पहुंच गई कि उनकी भी जमीनें जब्त कर ली आपने ट्राइब्स की यानी उनके जमीन के अंदर अब उनके पास न तो इतनी ताकत न इतने हथियार ठीक और ना इतनी अवेयरनेस कि वो अपनी जमीनें आपसे छोड़ा पाए ठीक तो इसका मतलब आपके हुआ ये सिस्टम और यही नहीं फिर ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर जो टैक्सेशन सिस्टम अपना बनाया ब्रिटिश भारत के अंदर टैक्सेशन सिस्टम ऐसा था कि पूरे टैक्स का जो लोड था वो गरीब व्यक्ति पे पड़ता था अमीर व्यक्तियों पर नहीं पड़ता था ये ब्रिटिश इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम था ठीक टैक्सेशन सिस्टम किसानों से कर टैक्सेशन सिस्टम नमक पे कर जो बेसिक नीड गुड्स होती थी उन पे कर लगता था तो उसकी जो पूरी मार ब्रिटिश इंडिया में पड़ती थी वो पड़ती थी गरीबों पे ठीक है अब आपके इन ट्राइब्स पे अगर आपके मार पड़ी टैक्स की अब या तो ये टैक्स चुकाएं ना चुकाएं तो जो जमीन और जो इनके पास कुछ बचा है वो गिरवी रखा जाएगा गिरवी रखा जाएगा तो महाजन या सूदखोर इनको पैसे देंगे पैसे देंगे तो ये तो पैसा वापस कभी करने से रहे क्योंकि हो गई नहीं कभी इनके पास इतना ठीक ब्रिटिश इंडिया के टाइम में आपके कहा जाता था कि अगर हमें विरासत में कुछ मिलता था भारतीय किसानों को तो सिर्फ मिलता था बाप दादाओं का कर्जा उसे चुकाने के लिए उन्हें आपके फोर्स लेबर या बंदुआ मजदूरी अपने पूरे जीवन करनी पड़ती थी ये मिलता था उस समय विरासत में ठीक तो यही आपके ट्राइब्स के साथ भी रहा होगा तो कुल मिला के आपके जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सिचुएशन आपकी ये हुई कि जो ट्राइब्स आपके हमारे समाज से आइसोलेट रहती थी और खुश रहती थी उनका अपना समाज अपनी संस्कृति अपनी भाषा अपने ऑक्यूपेशन सब कुछ उनका अपना था ना वो अपनी लाइफ में कोई इंटरफियर बर्दाश्त करवाते थे ना हम उनकी लाइफ में करते थे ठीक लेकिन जब ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम की भारत में आपके शुरुआत हुई इस ट्राइब्स के साथ जब आपके इंटरेक्शन हुआ तो इस ट्राइब्स का जो हमने शोषण अपने फायदे के लिए किया अपने फायदे के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि ब्रिटिशर्स के साथ साथ हमने कौन सा कम शोषण किया शोषण तो इंडियंस ने भी किया था उनका ठीक भारत के अंदर यह कहा जाता है कि ब्रिटिश व्यवस्था ने जितना भारत का शोषण किया उससे कहीं ज्यादा भारतीय जमींदारों ने भारत का शोषण किया ठीक भारतीय जमींदारों ने आपके कैसे भारत का शोषण किया ब्रिटिशर्स ने कहा कि दस रुपए ला के तो भारतीय जमींदार कह रहे बीस निकालो ऊपर से प्रेशर है ठीक तो कम तो भारतीय जमींदार भी नहीं थे ठीक है तो अब यहां आपके सिस्टम जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल बात करें परमानेंट सेटलमेंट की परमानेंट सेटलमेंट में तो सीधा बोली ले ली एक जमींदार ने कि एक करोड़ रुपए हमें इस क्षेत्र से लाके देना है अब वो दस करोड़ इकट्ठा कर रहा है वहां से ये सिचुएशन आपके चल रही थी तो बर्डन कितना बढ़ेगा बर्डन तो बढ़ता ही जाएगा ठीक तो अब यहां नेक्स्ट आगे ये जब सिचुएशन हुई तो स्वतंत्रता के आते आते स्थितियां कुछ ऐसी हो गई कि ये जो आपके ट्राइब थे ये ना सिर्फ आर्थिक शोषण का शिकार हुए ये अपने आर्थिक शोषण के साथ साथ अपनी संस्कृति अपनी जमीन और अपनी परंपराएं ठीक इन सब के भी शोषण का धीरे धीरे शिकार होते चले गए क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में आपके इनके कई कल्चर और कई ट्रेडिशन को क्या कर दिया गया बैन कर दिया गया अब जब भारत आपके स्वतंत्र हुआ तो पहली बार आपके ठीक नेहरू जी ने या स्वतंत्र भारत का जो उस समय का नेतृत्व था उस नेतृत्व ने आपके कहा कि ये जो भारत की जो ज्योग्राफी है इस भारत की जियोग्राफी में सिर्फ शहर और गांव नहीं है इसमें तो जंगल भी है और अगर जंगल है तो ट्राइब भी है और अगर उन ट्राइब्स का इंटीग्रेशन हमारे साथ नहीं हुआ तो फिर हम अखंड भारत का निर्माण कर कैसे पाएंगे हम किस आधार पर कह पाएंगे कि हमने अपनी पूरी जनता का वेलफेयर कर दिया है तो अगर हमें पूरे भारत की पब्लिक का वेलफेयर करना है तो हमें इन ट्राइब को हमें सोशल मेनस्ट्रीम में उठा के लेके आना होगा ठीक अब ट्राइब को सोशल मेन स्ट्रीम में अगर उठा के लेके आना होगा तो फिर हमें करना क्या होगा करना हमें आपके ये होगा कि हमें ट्राइब के तरीके से सोचना होगा हम अपने तरीके से नहीं ला सकते उन्हें हमें ट्राइब के तरीके से सोचना होगा ठीक यानी कि हमें उनको ये गारंटी देनी होगी क्या गारंटी कि आपका कल्चर आपके ट्रेडिशन ठीक आपके सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन इन पे हम कोई प्रभाव नहीं डालेंगे पहली गारंटी क्योंकि हमेशा याद रखना एक बहुत खास बात होती है जो गरीब व्यक्ति होता है ना गरीब व्यक्ति गरीब व्यक्ति के पास सिर्फ आपके संपत्ति सिर्फ दो ही होती है एक तो उसकी जमीन अगर उसके पास है तो और दूसरा उसका धर्म जाति संस्कृति और परंपराए ठीक है थीक? अगर जमीन अगर किसी के पास नहीं है तो फिर उसके पास सिर्फ एक ही संपत्ति है उसका धर्म उसकी जाति उसकी संस्कृति और उसकी परंपराएं और इनके प्रभावित होने पर वो किसी भी हद तक जा सकता है ठीक यह हुआ फॉर एग्जाम्पल आर 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 यही तो था हुँ? रोर राइज रिवॉल्ट तो आपके क्या है वो भी तो आपके क्या था ट्राइबल मूवमेंट ही था ना एक प्रकार का ब्रिटिश सिस्टम के अगेंस्ट ठीक अब बेचारे वो तो पिसे इन्होंने आपके हजार करोड़ कमा लिए हजार और कमाएंगे अभी जिनके ऊपर दिखाया गया उन्होंने तो जिंदगी भर संघर्ष किया ना फाइनली लेकिन उसी का प्रेजेंटेशन ही तो था ये तो ये होता है आपके क्या कॉरपोरेट वर्ल्ड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपके शोषण को भी दिखा के आपके यहां पैसे कमाए जा सकते हैं ठीक दिखाया तो वही गया है ना तो यहां आपके सिस्टम तो यही सिस्टम आपके हम उस समय ले जाए कॉरपोरेट वर्ल्ड का अंतिम उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है प्रॉफिट कॉरपोरेट वर्ल्ड का एक ही रूल होता है प्रॉफिट यानी अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति के आपके क्या होती है सिर्फ दो संपत्तियां तो जमीन या जाति धर्म संस्कार और परंपराएं ठीक तो यह हुआ आपके तो यहां सबसे पहले इनको देनी होगी ये गारंटी और ये गारंटी आप अंग्रेजी भाषा में नहीं उनकी भाषा में जिसे वो समझ सके फिर उनको देनी होगी हमें एजुकेशन उनकी भाषा में उनको बताने होंगे उनके राइट्स उनकी लैंग्वेज में और देने होंगे हमें उनके राइट्स ठीक जब हम ये कर पाए ठीक तब उसके बाद में हमें अगर उन्हें सोशल मैन में, में जोड़ना है तो अब कुछ को गवर्नमेंट जॉब में लेके आए कुछ को ऑक्यूपेशन में अलग अलग प्रकार के प्रोफेशन में आगे बढ़ाए ठीक है और जब गांव शहर में बसान ही है तो फिर उनके लिए हम क्या करें जमीनों के पट्टे निकाले वहां जमीनों के पट्टे दे के हम क्या करें उन्हें उस जगह पे रीसेटल करें और रीसेटल करके हम सोशल मैनिस्ट्री में उन्हें लेकर आए तो ये था उद्देश्य उद्देश्य किसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अब इस उद्देश्य में हमने किया कितना पूरा हुआ कितना और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ इसके कारणों को देखेंगे हम कल की क्लास में ठीक है